और अब बात बर्फबारी की करेंगे, क्योंकि पहाड़ों पर गिर रही बर्फ ने प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगा दिए। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ है, मानो पहाड़ों का श्वेत श्रृंगार हुआ हो। जहां पर देखो बर्फ की चादर है, औली से गुलमर्ग तक साफ ये तस्वीरें दिखती हैं और बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। फरवरी अब आखिरी दौर में पहुंच रही है, लेकिन मौसम की मनमर्जियां हैं कि वो अब भी दिसंबर जनवरी का एहसास करा रहा है। पहाड़ से लेकर मैदानों तक मौसम ने फिर से करवट बदली, कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश हो रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी रिटर्न है, एक बार फिर से सब जगह जबरदस्त बर्फबारी जारी है। इलाके सफेद चादर की तरह दिख रहे हैं। स्नोफॉल से जहां पर सैलानियों में खुशी की लहर है, तो वहीं परेशानियां भी हो रही हैं। कश्मीर में रविवार से शुरू हुई बर्फबारी लगातार जारी है, रामबन हो या फिर गुलमर्ग और उधमपुर, हर तरफ जमकर बर्फबारी हो रही है। गांदरबल के बालटाल सोनमर्ग में बर्फ जमा होने के कारण श्रीनगर लेह राजमार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। राजौरी में मुगल रोड, पीर की गली, डेरा की गली, कंडी, पुथल क्षेत्र में बर्फ गिर रही है। मुगल रोड एक महीने से बंद है। किश्तवाड़ में संथन टाप, वाड़वन, माड़वा, मचेर और आसपास के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। गुलमर्ग में 2.5 फीट बर्फबारी हुई, साधना टॉप में 5 फीट, राजदान टॉप में 5 फीट, तुलई गुरेज में 4 फीट और सोनमर्ग में 4 फीट। न केवल कश्मीर बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी जारी है। यहाँ के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में लगातार 3 दिन से बर्फबारी हो रही है। लाहौल स्पीति के केलांग में भारी बर्फबारी देखने को मिली। आलम यह है कि जहाँ तक नजर दौड़ाइए, हर तरफ सफेद सुनामी जैसी तस्वीर दिख रही है। बर्फबारी से हिमाचल के लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं। बर्फबारी से 4 नेशनल हाईवे, 228 सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई। लाहौल स्पीति में 165 सड़कें ठप पड़ी है। चंबा में 52 सड़कों पर आवाजाही प्रभावित है। राज्य में 1800 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़ने से कई इलाकों में अंधेरा पसरा है। पहाड़ों पर गिर रही बर्फ ने प्रकृति की सुंदरता में भी चार चांद लगा दिए। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ है, जहां देखो बर्फ की चादर ही बिछी हुई नजर आ रही है। हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, औली, नंदा घुंघटी, रुद्रनाथ और माणा घाटी में जमकर बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ में 0.5 फीट, केदारनाथ में 1 फीट, औली में 2 इंच, गंगोत्री यमुनोत्री में 6 इंच ताजी बर्फ जमी। फरवरी के महीने में मुश्किल से 10 दिन बचे हैं और पहाड़ी इलाके में बर्फबारी से भीषण ठंड की संभावना अब फिर से बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।